पर तो क्या हो गया, वो हमसे प्यार नहीं करती, हम तो करते हैं ना गर्लफ्रेंड है वो, हम जाएंगे उसके पास। मैं फिर भी चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सो गाइस अभी जो आप स्क्रीन पे वीडियो देखे कुछ इसी तरह से वीडियो एडिटिंग करना बताऊंगा आपको कि कैसे बैकग्राउंड में स्काई लगाना है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, तो ओपन कर लीजिएगा VN एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है गाइस, तो इसी में हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से गाइस वो वीडियो सिलेक्ट कर लेना होगा जो हम देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, वो वीडियो सिलेक्ट कर लेना होगा एंड अपने साथ गाइस अपना शूट कर लेना होगा वीडियो। तो गाइस वीडियो पे आकर गाइस वीडियो दो वीडियो सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक हम देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एंड गाइस एक अपना वीडियो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम गाइस दूसरा का वीडियो सिलेक्ट करते हैं, किसी और का वीडियो है एंड गाइस हम अपना वीडियो सिलेक्ट करते हैं। दो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहां सबको एक बार एरो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आ जाएगा मोबाइल पे स्क्रीन पे एडिटिंग वाला जगह पे। तो सुनते हैं वो कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले इस ब्लैक बैकग्राउंड को हम हटाते हैं, इस पर एक बार टैप करना होगा आपको एंड यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एक बार, तो डिलीट हो जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस वो डिलीट हो चुका है। सो सबसे पहले हम इस भाई का वीडियो से म्यूजिक निकालेंगे, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, इस वाले वीडियो पे आना होगा आपको एंड गाइस नीचे में आपको स्क्रॉल करना होगा, इस वाले वीडियो पे आइएगा एंड नीचे में आपको स्क्रॉल करना होगा, इसकी ऑडियो को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना होगा, तो इसका ऑडियो जो गाना है गाइस वो निकल जाएगा। देख सकते हो गाइस हमारा ऑडियो निकल चुका है इस वीडियो से। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को कट कर देना होगा क्योंकि इन भाई का वीडियो को कट कर देना होगा इतना पर से एंड गाइस वहाँ से आपको अपना वीडियो लाना होगा। सिंपली हम यहाँ पे कट का सीजर पे ऑप्शन पे जाएंगे गाइस, यहाँ से स्प्लिट पे एंड यहाँ से गाइस कट कर देंगे। कट करने के बाद गाइस इस भाई का वीडियो को हम डिलीट करेंगे एंड गाइस यहाँ पे हम अपना वीडियो को ला लेंगे। तो सिंपली डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये डिलीट हो जाएगा एक बार टाइप करने के बाद। तो देख सकते हो गाइस हमारा यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है और ऑडियो भी आ चुका है गाइस। तो इतना करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले वीडियो के यहाँ पे जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइस वहीं पे आपको आना है, इसके सोझे ये जो लाइन है गाइस इसके सोझे ही रहने देना है आपको, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको स्काई लगाना होगा अभी इतना पर से। तो गाइस सिंपली आपको स्काई लगाने के लिए यहाँ पे जहाँ पे लाइन हमारा है ये वाइट वाइट ड्रॉ हुआ है गाइस, तो उसी पे आना होगा और इसी वीडियो को लेना होगा आपको। तो इसी वीडियो को ऐड करने के लिए आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से आपको इस वाला ऐड टू स्टिकर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से गाइस वीडियो एंड फोटोज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कीजिएगा एंड गाइस यहाँ से आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा गाइस, इस बैकग्राउंड का भी लिंक, तो इसका भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वाला लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको इतना पर स्काई हमारा बैकग्राउंड में, तो उतना में आपको सेट कर देना होगा। तो सेट कर लीजिएगा हल्का सा, आपको हल्का सा नीचे रखना होगा, तो इतना पे हम हल्का सेट कर देते हैं नीचे बड़ा करके इसको एंड गाइस इसको सेट करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा। तो सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ से आपको मास्क का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको सेकेंड नंबर में लीनियर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको डबल टैप करना है एंड गाइस इसको पकड़ के आपको नीचे की ओर ला देना। तो गाइस जिस तरह से हम नीचे की ओर खींच रहे हैं ये वाला ऑप्शन को पकड़ के, तो गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पर्सन को क्लिक करना है, सॉरी गाइस ऑप्शन को एंड इस तरह से आपको नीचे की ओर ड्रॉ करके यहाँ से कर देना होगा डन। सो एक बार डन कीजिएगा एंड उसी लाइन पर आपको फिर से इस वीडियो को ऐड करना होगा जो हमारा वीडियो था एंड गाइस जो अपना वीडियो ऐड कीजिएगा अपना वहाँ पे, तो इसी लाइन पर आपको आना होगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में जो स्काई लग गया है तो हमारा वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा है गाइस फोटोज़। तो देख सकते हो गाइस हमारा स्काई दिख रहा है बैकग्राउंड में, वीडियो हमारा नहीं दिख रहा है। सिंपली हम वीडियो को फिर से ऐड करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, उसी वाले लाइन पे आ जाना होगा, इसी वाले लाइन पे एंड इसी वीडियो को आपको ऐड करना होगा। तो सिंपली आपको फिर से इसी वाले ऐड टू स्टिकर पे क्लिक कर देना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से वीडियो पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से फिर से अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो गाइस हम यही वीडियो सिलेक्ट किए हैं, सिंपली आपको यहाँ से फिर पे क्लिक करना होगा एंड देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो सेट हो चुका है, फुल हो चुका है फिगर एंड गाइस इसको स्क्रॉल करके लाएंगे इधर। लाने के बाद गाइस यहाँ से क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको क्रोमा वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा, इस सर्कल को आपको पकड़ना है एंड बैकग्राउंड में इस तरह से सेट करना है, जहाँ पे आपको सेट हो जाएगा अच्छी तरह से जो हमारा स्काई था वो आ जाएगा गाइस, तो वहाँ पे आपको छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं एंड यहाँ से गाइस नीचे की ओर देख सकते हो गाइस इंटेंसिटी एंड स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको स्पीड को कम कर देना होगा एंड गाइस इंटेंसिटी को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना होगा। तो देख सकते हो गाइस हमारा इस तरह से बढ़ा रहे हैं, हमारा क्लैरिटी आ रहा है हमारा वीडियो में, तो हमारा वीडियो का बैकग्राउंड अच्छे से हो जा रहा है रिमूव। तो इस तरह से गाइस आपको अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को रखिएगा। तो क्योंकि गाइस हमारा ये मोबाइल से किया हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ये हमारा थोड़ा सा धुंधला था इसलिए इतना अच्छा नहीं हो पाया गाइस, तो आप अच्छे से कीजिएगा अपने फ़ोन से एंड गाइस अपने ट्राइपॉड में लगा कर ही कीजिएगा। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ। हम तो करते हैं ना।
तो गाइस देख सकते हो हमारा ऑडियो के टाइमिंग पे हमारा वीडियो सेट हो चुका है। गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा वीडियो आ रहा है ऑडियो के टाइमिंग पे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से प्लस वाला बटन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से एक इफेक्ट ऐड कर देना होगा वाइट इफेक्ट। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको ड्यूरेशन को हल्का सा बढ़ा करके यहाँ से कर दिया डन, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं फिर से प्ले करता हूँ इस वीडियो को, तो सिंपली मैं इसे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है वो इफेक्ट के साथ, जो व्हाइट इफेक्ट हमने ऐड किया उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैच हो रहा था। तो गाइस कुछ इसी तरह से गाइस आपको एडिटिंग करना होगा एंड गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको सेव एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, सिंपली आपको रेजोल्यूशन एंड ब्राइट रेट को आपको फुल कर देना होगा एंड इस गाइस FPS को 30 के आसपास रखिएगा एंड यहाँ से कर लीजिएगा डन। बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आपका वीडियो हो जाएगा सेव गैलरी में। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।